वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया। चारों हस्तियों के परिवारजनों ने खुशी जताई, साथ ही पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही की थी। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया। चर्चा है कि बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर पर ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए ये सम्मान उनके बेटे जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के लिए ये सम्मान उनकी बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर की और देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। कर्पूरी ठाकुर के परिवार के साथ बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी भी मौजूद थे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने इस दौरान कहा कि बिहार और देश के लोग आज उतने ही खुश हैं जितना मैं हूं। नीतीश कुमार ने लगातार भारत सरकार से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की अपील की थी। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती नमिता कुमारी का इस दौरान कहना था कि ये न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।